आज हम बनाने जा रहे हैं आपके बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। 10 मिनट में रेडी हो जाती है। अपने बच्चे को आप भी बनाइए और खिलाइए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी और झटपट नाश्ता सूजी के अप्पे। ये मैं ली हूँ 1 कटोरी सूजी, ये 1/2 कटोरी दही और ये 2 कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी धनिया पत्ता, 1 कटी हुई प्याज, 1 कटी हुई टमाटर, ये कैप्सिकम ली हूँ कटी हुई और ये गाजर पीस कर ली हूँ और थोड़ी सी बेकिंग पाउडर। अब हम इसे मिलाएंगे। अब हम एक बड़े बॉल लेंगे, उसी में सब चीज मिलाएंगे। ये हम सूजी ले लेंगे। अब हम इसमें दही डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 कटोरी पानी भी डालेंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। कटी हुई टमाटर डालेंगे। कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे और ये किसा हुआ गाजर डालेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे और ये धनिया पत्ता डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। अब हम इसमें 1/3 टीस्पून गोल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। आप चाहे सकते हैं इसमें मटर, गोभी और कुछ भी मिला सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह मिला के 10 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। देखिए 10 मिनट हो चुकी है, ये अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से फूल चुकी है। इसे मैं मीडियम फ्लेम में गर्म होने के लिए रखती हूँ। अब ये गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो बटर, घी, चीज़ से भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ये अप्पे मेकर नहीं है तो आप तावा में भी छोटे छोटे बना सकते हैं। सो जीरा का तड़का लगा देंगे, सब में थोड़ी थोड़ी डाल देंगे, खाने में भी अच्छी लगती है। सरसों पक चुकी है। अब हम इसमें अप्पे डालेंगे 1-1 चम्मच। आप इसे ज़्यादा नहीं डालेंगे, ये फूल कर ऊपर तक आ जाती है, ये हम इसमें 1-1 चम्मच ही डालेंगे। तो मीडियम फ्लेम में पकाना है। हम इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे। देखिए 5 मिनट हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल गई है ये। अब हम इसे पलटी कर लेंगे। एक साइड लाल हो चुकी है। अब हम इसे अच्छी तरह पलटी कर लेंगे ताकि दोनों साइड अच्छी तरह से लाल हो जाए। देखिए हमारी अप्पे दोनों तरफ से बनकर लाल हो चुकी है अच्छी तरह से। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए हमारी अप्पे बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।